अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? आज बड़ी यमी और मज़ेदार रेसिपी है और वो है लौकी गोश्त की रेसिपी। और उसके लिए जो सामान मैंने लिया है वो मैं बताती हूँ, बहुत मज़े का बनता है ये, आप ज़रूर बनाइएगा। 1.5 पाव बीफ का गोश्त लिया है, हड्डी वाला और थोड़ा चिकना भी है। 1/2 किलो लौकी, जिसे मैंने इस तरह इतने मोटे मोटे क्यूब्स काट लिए। 4 टमाटर, जिसे मैंने बहुत फाइन कटिंग की है। 2 बड़े साइज़ की प्याज, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। 4 हरी मिर्चें और मैं पुदीना डालूंगी, आपकी मर्ज़ी, आप हरा धनिया डालना चाहे तो डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और गरम मसाले में हमने 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है सफ़ेद, 5 लौंगें, 5 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े। तो चले आए हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है, गैस ऑन कर दी है, और अब उसमें मैं ये कुकिंग ऑयल डालूंगी जो तकरीबन 10 टेबल स्पून के करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं ये 1/2 1.5 पाव चिकन गोश्त का बना रही हूँ, और आपकी मर्ज़ी, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर आप उसी हिसाब से अपना चीज़ों की मकदार बढ़ा दिएगा। चले, अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ही मैं ये गरम मसाला भी डाल दूंगी, इन दोनों को साथ ही कर लें, बस मुझे इतना ही करना था, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करनी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी मैं बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो कच्चे पन की स्मेल ख़त्म हो गई है। अब इसमें ये मसाले जो मैंने आपको दिखा, पाउडर मसाले, मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक। नमक और मिर्च आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मसाला भूनने के बाद मैं टमाटर डाल दूँगी, और अब मैं ये टमाटर डाल दूँगी। और अभी सबको मैं बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। चले, मैं ये मसाला भूनती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मसाला बहुत अच्छी तरह टमाटर के साथ मैंने भून लिया है। मैं वो ही डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मैं बहुत अच्छी तरह भून लूँगी। हड्डी वाले गोश्त से ये है कि सालन बहुत मज़ेदार बनता है, ग्रेवी वाला जिसमें हम शोरबा रखते हैं सालन में, तो वो बहुत, उससे टेस्ट अच्छा आता है। अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ, क्योंकि गोश्त में से पानी रिलीज़ होगा। जब वो पानी रिलीज़ होगा, उसे भून कर ड्राई करके फिर मैं पानी डालूँगी इसमें गलने के लिए। तो ये मैं 5 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ, 5 मिनट बाद फिर दिखाती हूँ। देखते हैं, 5 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा था, गोश्त का पानी रिलीज हो जाए तो फिर भूनेंगे वो कहाँ तक हुआ। ये देखिए, गोश्त जो पानी रिलीज हुआ वो साइडों में नज़र आ रहा है। अब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी कि बहुत अच्छी सी मसाले की खुशबू आए, गोश्त की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, और फिर इसके अंदर मैं इतना पानी डालूंगी कि ये गोश्त गल जाए। चूल्हे की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है, बहुत अच्छी तरह से भून गया है, और आपको वो किनारों पे इसके ऑयल आ गया है। और मैं आपको बार बार ये बात बताती हूँ कि ये इस बात की पहचान है कि ये मसाला या गोश्त बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये गोश्त बहुत अच्छी तरह गल जाए। तो मैंने 4 गिलास पानी लिया है जो मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें, और अब इसे मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 1/2 घंटा, क्योंकि हम इसे गलाएंगे बहुत अच्छी तरह से, फिर हम इसमें लौकी डालेंगे।
अब मैं इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी और आधे घंटे बाद में आपको फिर दिखाती हूँ। मैंने गोश्त रखा था गलने के लिए, वो बहुत अच्छी तरह से गल गया है और मैंने चेक किया था टेंडर हो चुका है ये। और मैं इसको भून कर इसमें लौकी डाल दूंगी और इसके साथ लौकी को भी भून लूंगी और फिर मैं इतना पानी डालूंगी कि ये लौकी इसमें गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लौकी मैंने डाल दी और अब मैं इसको इतना भूनूंगी कि लौकी की जो एक स्मेल आ रही होती है वो भी इसमें से ख़त्म होकर मसाले की खुशबू आने लगे। जो मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया मसाले में और अब मैं इतना पानी डाल दूंगी कि ये जितनी हमें ग्रेवी रखनी है उसके साथ, अब मैं देखती हूँ कितनी ज़रूरत है पानी की। ये मैंने एक गिलास डाला, ये दूसरा गिलास, अभी मैं इसमें एक गिलास पानी और डालूंगी और फिर मैं इसको ढककर रख दूंगी। और अब मैं इसे रख रही हूँ तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद जो है लौकी को चेक करूंगी कि लौकी गली या नहीं। एक गिलास पानी में और डालूंगी। चलिए अब मैं इसे रख रही हूँ 20 मिनट के लिए और 20 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखते हैं 20 मिनट के लिए जो मैंने लौकी रखी थी, लौकी जो है काफ़ी हद तक टेंडर हो चुकी है। डिशन पे मैं इसके अंदर जो हरी मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी वो हरी मिर्चें डाल दूंगी फ्लेवर के लिए। ये भी हो जाएंगी और इसका फ्लेवर इसमें शामिल हो जाएगा। तो चलिए अब 10 मिनट का टाइम रह गया तो फिर 10 मिनट बाद चेक। फिर 10 मिनट के लिए जो मैंने रखा था गोश्त और लौकी वो टेंडर हो चुका है बहुत अच्छी तरह और इसमें हरी मिर्चों का फ्लेवर भी शामिल हो गया। तो अब इस कंडीशन पर जब ये आ गया है तो मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ मज़ेदार लौकी। फ्रेंड्स, ये डिश आउट कर दिया मैंने लौकी गोश्त और ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और इसे मैंने जो आपको पुदीना दिखाया था उससे गार्निश किया है बारीक बारीक काट के, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स करें, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।